Good morning friends. In the last video you have learned meaning and process of motivation, features and Maslow's Need Hierarchy Theory. Now today we will study incentives. Incentives are the measures which motivate a person to perform efficiently, to do better. Now every person has some need. But few needs can be satisfied with money and others can be satisfied with money only. So on the basis of needs, we can divide incentives into financial incentive and non-financial incentive. First, we learn financial incentives. These are the measures, rewards, which can be measured in terms of money. Money not only satisfies the lower level needs but also satisfies higher level needs of social status and power. मनी से हमारी लोअर लेवल नीड्स तो सेटिस्फाई होती ही है, इसके साथ सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा स्टेटस सिंबल होता है, पावर होता है, वह भी मनी फुलफिल करता है. Money has a purchasing power. You can purchase any good or services. So it is very important for every individual. Now we study types of financial incentives. The first is pay and allowances. हर एम्प्लॉय के लिए बेसिक सैलरी और वेजेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है. यह इंक्लूड करती है बेसिक पे जैसे हमारा पे स्केल, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो हमें बेसिक पे के साथ मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रेगुलरली इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं जैसे हर साल 10% इंक्रीमेंट, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस की बेसिस पर भी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं. सो दीज आर इंक्लूडेड इन पे एंड अलाउंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय. The second is productivity linked wage incentives. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस वर्कर की प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस के बेसिस पर दी जाती है जैसे हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर्स अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें ताकि उन्हें ज़्यादा पेमेंट मिले. जिसे चैप्टर 2 में आपने साइंटिफिक टेक्निक गिवन बाय टेलर पढ़ा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. द थर्ड टाइप ऑफ इंसेंटिव इज बोनस. बोनस इज गिवन ओवर एंड अबव द सैलरी एंड वेजेस. फॉर एग्जाम्पल, बोनस फॉर अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन. यदि आपने टारगेट पूरा कर लिया तो वर्कर्स को मैनेजमेंट कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, दैट इज बोनस. इसी तरह दिवाली बोनस दिया जाता है. कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी देती है. नाउ द फोर्थ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज प्रॉफिट शेयरिंग. It is an agreement between employer and employee to share a part of profit if profits exceed a predetermined level. प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट है कि यदि प्रॉफिट एक स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस करता है तो मैनेजमेंट कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय के साथ शेयर करेंगे. यह एक गुड मोटिवेशन है, इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि यदि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा. प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयज को मिलने वाला अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग भी इंक्रीज होगा. द फिफ्थ इज को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन. अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयज आर गिवन ऑप्शन टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी at a price lower than the market price. In place of cash incentives, employees get stock option. Stock option scheme में management employees को एक option देता है कि वे कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम में परचेज कर सकते हैं. मैनेजमेंट कैश इंसेंटिव्स देने की जगह एम्प्लॉयज को ये स्टॉक ऑप्शन स्कीम देता है. इसका बेनिफिट यह होता है कि कंपनीज के शेयर परचेज करने से एम्प्लॉयज भी कंपनीज के मेंबर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट होगा, यदि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो एम्प्लॉयज को एडिशनल बेनिफिट होगा। इससे एम्प्लॉयज कंपनी खुद की समझने लगते हैं और अपनी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। द सिक्स्थ इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और द फाइनेंशियल सेफ्टी which satisfies the safety need of a person। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी स्कीम होती है। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो इसे पेंशन का अमाउंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है। इसलिए इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं जहां पर यह फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड होती हो। द लास्ट इज परक्विजिट्स। Perquisites are also called fringe benefits. These are given in addition to the basic salary or wages. For example, rent-free accommodation. यानी कंपनी ने यहाँ पर एम्प्लॉय को एक रहने के लिए घर दिया है जिसका रेंट एम्प्लॉय को पे नहीं करना, लेकिन जब एम्प्लॉय यह सर्विस छोड़ेगा तो उसे यह घर भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। मेडिकल एड यानी मेडिकल फैसिलिटीज, एम्प्लॉयज अपना ट्रीटमेंट कंपनी के हॉस्पिटल में करवा सकते हैं या कंपनी एम्प्लॉयज के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करती है। एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्कूल कॉलेज होती है जिसमें एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सरकार की स्कूल है। कार फैसिलिटी, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जज को गवर्नमेंट की तरफ से कार फैसिलिटी मिलती है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज को कार फैसिलिटी देती है जिनका स्टेटस, जॉब पोजीशन बहुत हाई है। परक्विजिट्स में एम्प्लॉय को कैश नहीं मिलता बल्कि फैसिलिटी मिलती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नाउ वी स्टार्ट विथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। These incentives or rewards can't be measured in terms of money. These incentives focus on the psychological, emotional and social need of an employee. For example, promotion. प्रमोशन होने पर एम्प्लॉय को ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है, चैलेंजिंग जॉब मिलते हैं, उसका डेजिग्नेशन स्टेटस इम्प्रूव होता है। मीन्स प्रमोशन सेटिस्फाइज द साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल नीड ऑफ द पर्सन। प्रमोशन में साथ ही पर्सन को मोर सैलरी, मोर फैसिलिटीज, मोर अलाउंसेस भी मिलते हैं, यानी मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन फिर भी इन केस ऑफ प्रमोशन द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट सुपरसीड मॉनेटरी बेनिफिट। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। द फर्स्ट इज स्टेटस। इट रेफर्स टू रैंकिंग ऑफ पोजीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन। यदि आपकी जॉब पोजीशन हाई है तो आपका स्टेटस सिंबल भी हाई है। With the job position, you will get authority and responsibility, recognition in the organization, prestige. The respect given by all employees. Prestige is associated with a job in the organization. जिसका status जितना high होगा organization में, यानी job position high होगी, उसे उतना ही ज़्यादा respect, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। हायर स्टेटस सेटिस्फाइज द सोशल एंड द एस्टीम नीड ऑफ द एम्प्लॉय। एंड हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन? द सिम्बॉल्स आर द मैनेजमेंट विल प्रोवाइड अ सेपरेट केबिन टू द एम्प्लॉय with costly furniture in that. The second non-financial incentive is organizational climate. It refers to the characteristics of an organization which describe it and make it different from other organizations. The examples of these characteristics are individual autonomy, means management अपने एम्प्लॉयज को कितनी अथॉरिटी कितने पावर्स देता है. रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, क्या मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को उनके गुड सजेशंस के लिए रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है. ओपन कम्युनिकेशन, इज देयर ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड हाउ मच रिस्क द मैनेजमेंट इज रेडी टू टेक. यह कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट एनवायरमेंट को हेल्दी बनाते हैं. यही साउंड एनवायरमेंट पॉजिटिव मेजर्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं. The third is career advancement opportunity. हर इंडिविजुअल अपनी वर्किंग लाइफ में प्रमोशंस चाहता है, वह अपने करियर को डेवलप करना चाहता है. सो मैनेजमेंट शुड अरेंज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी. यह मेजर्स किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली डिवोटेड वर्क करने से उनका करियर डेवलप होगा, उन्हें प्रमोशन मिलेगा. सो दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डू बेटर एवरी टाइम. नाउ द फोर्थ इज जॉब एनरिचमेंट. इट मीन्स टू डिजाइन जॉब विद ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल. एम्प्लॉयज अपना रूटीन वर्क करते करते बोर हो जाते हैं. सो इन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट को जॉब एनरिचमेंट करनी चाहिए, यानी उनके रूटीन वर्क में कुछ वेराइटीज ऐड करनी चाहिए. इसके लिए उन्हें ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है. यह जॉब एनरिचमेंट उस वर्कर को पहले से ज़्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ जॉब. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक क्लर्क का काम है कि वह स्टूडेंट्स फीस को डिपॉजिट करें, लेकिन अब मैनेजमेंट ने उनका जॉब एनरिच किया और इस क्लर्क को यह अथॉरिटी दी कि जिन पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स की फीस टाइम पर डिपॉजिट नहीं की है, यह क्लर्क उन्हें रिमाइंडर भेजे, पेनल्टी अमाउंट ऐड करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें. सो यहाँ पर हमने इस क्लर्क की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया वर्क कंटेंट इंक्रीज कर दिया. सो ही विल फील मोटिवेटेड. इसी तरह किसी कंपनी में सपोज एक क्लर्क का काम है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, पोस्ट आती है, वह उसे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सेंड करे. अब इस क्लर्क का जॉब एनरिचमेंट करने के लिए मैनेजमेंट ने यह अथॉरिटी दी कि यह क्लर्क अब इन डॉक्यूमेंट्स पोस्ट को ओपन करेगा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही केवल रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डिस्पैच करेगा. इसके साथ ही यदि डिपार्टमेंट चाहे तो उनके बिहाफ पर यह क्लर्क इन डॉक्यूमेंट्स का पोस्ट का रिप्लाई भी करेगा. सो वी हैव इंक्रीज द वर्क कंटेंट इन द जॉब ऑफ द क्लर्क which motivate the person, which requires more knowledge, skill, authority, responsibility area. Now the fifth is employee recognition program. हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके गुड परफॉर्मेंस को उसके सुपीरियर्स कलीग्स अप्रिशिएट करे, रिकग्नाइज करे. So there is employee recognition program. It satisfies the employee's egoistic needs. For example, congratulating and rewarding employee, then displaying employee's achievement on the notice board of the organization or in company's newsletter, distributing awards to employees like Best Employee or the Employee of the Year award, mementos, certificates can be distributed to motivate an employee for better performance or for the best performance. Now the next is job security. Due to widespread unemployment in India, every employee wants some job confirmation, job security, permanent job that he is going to earn a fixed income in future continuously. This job confirmation improves performance and attitude of employees towards work. कई बार यह भी होता है कि जॉब कंफर्मेशन परमानेंट जॉब होने के बाद एम्प्लॉय सेल्फ सेटिस्फाइड फील करता है, यह फील करता है कि उसे फ्यूचर में इतनी फिक्स्ड इनकम मिलने ही वाली है, तो वह लेजी फील करता है, हार्ड वर्क नहीं करता. सो इट शुड नॉट हैपन. जॉब सिक्योरिटी शुड motivate an employee to do better every time. Now the seventh is employee participation. It is physical and mental involvement of employees in decision making process. ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें एम्प्लॉयज़ के फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, यानी इन एम्प्लॉयज़ को अपने व्यूज सजेशंस रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही मैनेजमेंट को इन एम्प्लॉयज़ के व्यूज और सजेशंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो दिस एम्प्लॉयज़ सजेशंस प्रोवाइड देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. For this employees' participation, there are different committees in the organization like joint management committee, work committee, discipline committee. इन committees में management और employees साथ में मिलकर काम करते हैं. यह एक team work होता है. जैसे आपकी स्कूल में भी डिफरेंट कमिटीज होगी, स्पोर्ट्स कमिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट कमिटी, डिसिप्लिन कमिटी. नाउ वी मूव टू एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट. जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में न्यू होता है तो उसे हर छोटे से छोटा काम अपने सुपीरियर से पूछ के करना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट सुपीरियर को देनी होती है. लेकिन धीरे धीरे यह न्यू कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड पॉलिसीज अपने रूटीन वर्क से यूज टू हो जाता है. तब सुपीरियर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करता है, यानी इस न्यू कैंडिडेट को यह अधिकार देता है कि वह अपने डिसीजंस खुद ले, अपने रूटीन वर्क को खुद इम्प्लीमेंट कर ले, रिपोर्ट फाइनलाइज कर दे. उसे हर छोटी से छोटी बात अपने सुपीरियर से पूछने की या उसे बताने की जरूरत नहीं है. सो दिस एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट गिव्स मोर फ्रीडम एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट. इट मोटिवेट्स द पर्सन टू यूज द स्किल एंड टैलेंट इन हिज जॉब परफॉर्मेंस. I hope you have understood all the financial and non-financial incentives well. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.